सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। घर वालों की खुशी भी देखनी पड़ती है दोस्तों, वरना कौन यो अकेले में रोता है अपने प्यार के लिए। प्रेम तुम्हें प्रेम के साथ जीना सिखाता है और प्रेम के बिना भी। सही वक्त और सही जगह चीजों की कीमत बढ़ा देती हैं। जिस धागे के गांठी खुल सकती है उस धागे पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। आज का पंचांग 30 मार्च 2024 दिन शनिवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि, रात्रि 9:14 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अनुराधा नामक नक्षत्र रात्रि 10:03 तक रहेगी। इसके उपरांत ज्येष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:27 से 10:59 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:06 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृश्चिक राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मीन राशि पर रहेंगे। आप सभी को रंग पंचमी की शुभकामनाएं। वृषभ राशि 30 मार्च 2024 दिन शनिवार, आपकी एकाग्रता और विचार शक्ति इस समय अपने चरम पर है और इसीलिए आप अपने आसपास के लोगों की स्थिति के बारे में और भी संदेहशील हैं। इससे आपको पिछले कुछ मतभेद सुलझाने में मदद मिलेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जिससे आप काफी पहले अलग हो गए थे। यह समय आपसी मतभेद भुलाकर आगे बढ़ने का है। इसके लिए आपको कुछ झुकना ही क्यों न पड़े झुक जाएं। आज इस राशि वालों का पारिवारिक जीवन सुखद रहने वाला है। लव लाइफ में आज प्रेमी के संग आनंदमय पल बिताएंगे और आपस में उपहार का लेन देन भी हो सकता है। जीवन साथी से आपको सहयोग और प्रेम की प्राप्ति होगी। घर में धर्म कर्म का माहौल रह सकता है। किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका भी मिलेगा। कोई पुरानी समस्या सामने आ सकती है जिससे मानसिक परेशानी होगी। पिता पक्ष से लाभ पा सकते हैं। संतुलन बनाना आज का प्रमुख विषय रहेगा और आप अपने आय और व्यय के बीच एक संतुलन हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप अपने आय के पूरक के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर सकती हैं और आज आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलने की भी संभावना है। साथ ही साथ आप अपने व्यय को भी नियंत्रित करने के लिए खर्चों पर लगाम लगाएंगे। यदि आप कोई कार्य क्षेत्र में किसी नई योजना की शुरुआत करेंगे तो वह भी आपके लिए अच्छी रहेगी। आर्थिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके भौतिक साधनों में वृद्धि होगी और आप किसी नए वाहन को घर लेकर आ सकते हैं। माता जी की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। जीवन साथी से संबंधों में यदि कुछ कटुता चल रही थी तो वह भी दूर होगी। आप अपने आय को बढ़ाने की कोशिश में लगे रहेंगे जिसमें आपको सफलता भी अवश्य मिलेगी। सावधानियां। आज आपकी वित्तीय स्थिति में थोड़ा संकट हो सकता है जिससे आपको चिंतित होना पड़ सकता है। वित्तीय लाभ में परेशानी हो सकती है। अनजान लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें। बात करते हैं लव लाइफ की। आप हाल फिलहाल अपने जीवन में हर तरह के संबंधों को लेकर लापरवाह रहे हैं, लेकिन आपको समय रहते इनमें आ गई दूरी को कम करने के लिए कदम उठाने चाहिए। आपके पार्टनर ने आपके मुश्किल समय में आपका काफी साथ दिया है, लेकिन आप उसे उस शास से उनका साथ नहीं दे पाई हैं। केवल अपने साथी की कमियां ढूंढने में ना लगे रहें। आपने अभी तक इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि उन्होंने खुद में कितना सुधार कर लिया है। बात करते हैं करियर की। कामकाज में मेहनत से बढ़कर लाभ नहीं मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे लाभ भी आपको उतना ही आज मिल सकता है। आज अपने शौक की चीजों और वस्त्रों एवं श्रृंगार पर धन खर्च कर सकते हैं। दीर्घकालीन निवेश में आपको फायदा हो सकता है। जो लोग ऑटोमोबाइल के कारोबार से जुड़े हैं उनके लिए आज के दिन विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। बात करते हैं सेहत की। आज आपको ठंड और बुखार परेशान कर सकते हैं। बाहर जाते हुए बहुत सावधान रहें क्योंकि आप वायरल की चपेट में आ सकते हैं। ठंड की समस्या तो छोटी सी ही है, लेकिन यह कई दिनों तक आपको परेशान कर सकती है जिससे आप चिड़चिड़े हो सकते हैं। हो सकता है कि आप अपने भोजन में काफी बड़े स्तर पर परिवर्तन की योजना बनाएं, लेकिन बेहतर होगा कि आप पहले व्यवहारिक रूप से यह जांच कर लें कि आप जो खाना अपने लिए निश्चित कर रहे हैं क्या आप उस पर अमल कर पाएंगे। आज का उपाय।
आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा आराधना करें, नारियल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।